नमस्कार, डिलीशियस तड़का में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बिल्कुल अलग सी रेसिपी लेकर आए हैं जो हम बनाएंगे कटहल और चना दाल से। वैसे तो आपने आलू चना दाल, लौकी चना दाल तो बहुत बारी खाया होगा, लेकिन आपने आज से पहले कटहल चना दाल कभी ना देखा होगा ना खाया होगा, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। हम लेंगे कुकर, गैस ऑन कर लेंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ स्मोक्ड मस्टर्ड ऑयल। सरसों के तेल को तेज गर्म करके मैंने ठंडा कर लिया था, मैं वो डाल रही हूँ। आप कोई भी कुकिंग ऑयल डालें, थोड़ा सा डालें, उसे गर्म कर लें। जैसे ये गर्म हो जाएगा डालेंगे एक तेजपात, दो छोटी इलायची, उसका मुंह खोल लें, 4 से 5 लौंग, 1/2 टीस्पून जीरा। इसके साथ ही मैंने ली थी 15 कलियां लहसुन की, जिनको छील लिया था और छोटा छोटा काट लिया है, वो डाल रही हूँ। अब इन सब चीजों को हमने थोड़ा सा चला देना है, जीरा भी अच्छे से फूल जाए और जो लहसुन है ना उसका कच्चापन दूर हो जाए। मैंने लिए थे 2 प्याज, ये बड़े साइज की प्याज ली थी, मैंने 2 लिए है। इसको मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं। मैं इसमें नमक डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून, आप स्वाद अनुसार डालें, जिससे कि प्याज अच्छे से भुन जाए। सुनहरा होने तक प्याज को भुनना है। ये देखिए जो प्याज है बहुत अच्छे से भुन चुकी है, बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। अब डाल देंगे कुछ मसाले। 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 टेबलस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ लाल मिर्ची पाउडर, ये कम तीखी वाली लाल मिर्ची है, मैंने उसका यूज किया है। मैंने लिया था थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा, उसको बारीक बारीक काट लिया था, वो डाल रही हूँ। पहले थोड़ा सा चला देंगे इन सब चीजों को। मैंने लिए थे 3 टमाटर, उनको मिक्सी में पीस लिया था। मैंने खट्टे वाले टमाटर का यूज किया है। अच्छे से मिक्स करते हुए हमने टमाटर को भी पका लेना है ऑयल सेपरेट होने तक। देखिए टमाटर बहुत अच्छे से पक चुके हैं, सारा मसाला भी बहुत अच्छे से पक चुका है। अभी हम गैस को बंद कर देंगे और बाकी की तैयारी करेंगे। मैंने ले लिया है कटहल, मैंने 1/2 किलो के करीब कटहल लिया है और बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है। इसे काटते वक्त हाथों पर और चक्कू पर ना थोड़ा सरसों का तेल लगा के काटेंगे ना तो ये बहुत आराम से कट जाता है, क्योंकि इसमें चिपचिपापन होता है। अगर आपको अभी नहीं बनाना और इसको स्टोर करके रखना है तो आप इसको नींबू का रस लगा के रख देंगे ना तो ये काला नहीं पड़ता। मैंने एक कढ़ाई में ना ऑयल गर्म करने रख दिया था। मैं इसे जो फ्राई करूंगी ना, हल्का सा शैलो फ्राई, वो सरसों के तेल में ही करूंगी। आप चाहे तो कोई भी कुकिंग ऑयल में कर सकते हैं। अब इस सारे कटहल को इसमें हमने डाल देना है। इससे क्या होगा, एक तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा, और अलटते पलटते हुए अच्छा सा कलर आने तक हमने इसको शैलो फ्राई कर लेना है। ये देखिए ये हो गया है, आप देख पा रहे होंगे बहुत अच्छा सा कलर आ गया है। इसे करने में हमारे 5 से 7 मिनट लगे हैं। अब इसका ऑयल झाड़कर एक प्लेट में हम निकाल लेंगे। हमने मसाले वाली गैस को भी ऑन कर दिया है। अब जो हमने कटहल फ्राई किया था वो इसमें डाल देना है। पहले तो बहुत अच्छे से मिक्स करना है मसाले में। अब डालेंगे पानी, मैं इसमें 1/2 ग्लास के करीब पानी डाल रही हूँ। अच्छे से मिक्स करते हुए तेज गैस पर एक उबाल आने देंगे पानी में पहले। अब कुकर का ढक्कन लगा देंगे, हाई मीडियम फ्लेम पर 2 विसल लगाएंगे, कम गैस पर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे और कुकर को बिल्कुल ठंडा होने देंगे। मैंने ली थी 1/2 कटोरी चना दाल। अगर आप कप से नाप रहे हैं तो ये 1/2 कप के करीब है। अच्छे से वॉश करने के बाद मैंने इसे 1 घंटे के लिए भिगो दिया था। उसके बाद 1 कप पानी कुकर में डालकर 1/4 टीस्पून नमक डालकर 1/4 टीस्पून हल्दी डालकर इसको मैंने 2 विसल लगा के उबाल लिया था। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था, उस पानी को हमने यूज़ करना है, और मैं आपको दिखाती हूँ बहुत अच्छे से दाल है ना वो गल चुकी है। देखिए कुकर ठंडा हो चुका है, इसको हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए जो कटहल है ना बहुत अच्छे से गल चुका है। अब इसके स्वाद और टेस्ट को बढ़ाने के लिए मैं इसमें डालने लगी हूँ 1 टीस्पून से थोड़ा सा कम गरम मसाला, 1 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कसूरी मेथी, 3 मैंने ली थी हरी मिर्ची, उनको बिल्कुल स्लिट कर लिया था वो डाल रही हूँ। इसके साथ ही जो हमने दाल उबाली थी वो डाल देंगे, उसमें जो थोड़ा पानी है वो भी डाल देंगे।
पहले तो बहुत अच्छे से सब चीजों को मिक्स करेंगे। अब कुकर का हमने ढक्कन नहीं लगाना, गैस को लो मीडियम कर इसको प्लेट से ढक देंगे 4 से 5 मिनट के लिए। देखिए 5 मिनट हो चुके हैं इसे पकते हुए, हम गैस को बंद कर देंगे लेकिन खोलेंगे 2 मिनट बाद। 2 मिनट हो चुके हैं, अब इसको हम चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार हुई है। अब डाल देंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया। आप एक बार इस तरीके से कटहल और चना दाल की रेसिपी को जरूर ट्राई करें, यह खाने में टेस्टी लगेगी, जिसे आप चपाती, परांठे, पूड़ी, चावल किसी के साथ भी खा सकते हैं। और कमेंट्स करके जरूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आए आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।